वेलकम इन द प्लस टू क्लास फिजिक्स बेटा बेटा इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द इलेक्ट्रो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ फैराडे एंड आल्सो वी हैव डिस्कस्ड द लेंजेज लॉ बेटा और लेंजेज लॉ का कुछ एक्टिविटी हमने शो की थी इलस्ट्रेशन ऑफ लेंजेज लॉ भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटा एक बार दोबारा से आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेंजेज लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटा आपका क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन आएगा स्टेट लेंजेज लॉ एंड डज इट ओबे एनर्जी कंजर्वेशन। तो आपको ये बताना है कि लेंजेज लॉ होता क्या है या क्या ये एनर्जी कंजर्वेशन को ओबे करता है, येस और नो, उसका आपने जवाब देना है बेटा। तो बेटा सिंपल एक बात बताइए, लेंजेज लॉ में अभी आपने पढ़ा है, लेंजेज लॉ क्या कहता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन ए सर्किट इज सच दैट, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन किसी सर्किट में इस तरह से होगी, इट अपोज द कोज, तो ये क्या करेगा, इट अपोज द कोज यानी कि उस कारण का अपोज करेगा, कोज का अपोज करता है यानी कि जिसकी वजह से करंट इंड्यूस होगा उसी का ही अपोज करेगा, ये आपका क्या कहता है लेंजेज लॉ कहता है। तो मैंने आपको बताया भी था बेटा, एक एक्टिविटी शो करके दिखाई थी ये आपको, अगर आपको याद है बेटा मैंने एक आपको एक कॉइल दिखाई थी लाइक दिस वन, और मैंने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया था बेटा, यहाँ पे आई कनेक्टेड गैल्वेनोमीटर हेयर, ठीक है बेटा, इफ़ यू हैव कॉइल ओके एंड यू कनेक्ट द गैल्वेनोमीटर विद दिस, और बेटा इफ़ यू मूव द मैग्नेट विद नॉर्थ पोल टुवार्ड द कोइल तो बेटा क्या होगा, मैंने बताया था कि ये कोइल क्या करेगी बेटा, इस नॉर्थ पोल का क्या करेगी बेटा, अपोज करेगी, ठीक है, क्या करेगी, अपोज करेगी, क्योंकि अभी बताया था कि हर बॉडी अपने चेंज का अपोज करती है, पहले ये मैग्नेट दूर थी, ठीक है, जब आप इसके नज़दीक लेके आना चाहते हो बेटा ये कोइल चाहती है कि ये दूरी रहे, तो इसका मतलब क्या बेटा, इस चेंज का अपोज करेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपोज कैसे किया इस कोइल ने क्या किया भाई, करंट इंड्यूस कर दिया, ठीक है, किस डायरेक्शन में बेटा, राइट डायरेक्शन में, और डायरेक्शन क्या आएगी बेटा करंट की, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय इंड्यूसिंग द नॉर्थ पोल, बेटा ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल बना लेगी कोइल टुवार्ड द मैग्नेट। तो बेटा एक नॉर्थ पोल दूसरे नॉर्थ पोल को क्या करता है बेटा, रिपेल करता है, तो ये कोइल क्या करेगी, इस कोइल की मोशन का बेटा अपोज करेगी, तो ये तो कहता है लेंजेज लॉ कि जिसकी वजह से जो इंड्यूस हुआ है वो उसी का ही अपोज करेगा, इसका मतलब अगर इस मैग्नेट की वजह से इसका करंट आया ना, ये करंट क्या करेगा, इसके नॉर्थ पोल का अपोज करेगा, और नॉर्थ पोल का अपोज कैसे करेगा भाई, ये कोइल क्या बना लेगी, नॉर्थ पोल बना लेगी। सिमिलरली सेकंड एक्टिविटी में मैंने आपको बताया था भाई, मान लीजिए आपके पास ये कोई कोइल है, सेकंड कोइल आपकी लाइक दिस वन, और आपने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया बेटा लाइक दिस वन, और आपने क्या किया, यू मूव द मैग्नेट विद नॉर्थ पोल अवे फ्रॉम द कोइल, सेकंड एक्टिविटी में आप दूर लेके जा रहे हो बेटा, ये कोइल चाहती है कि ये मैग्नेट दूर ना जाए, ठीक है, तो ये क्या करेगी, इसके मोशन का अपोज करेगी, तो ये क्या करेगी बेटा, करंट की पोलैरिटी भी इंड्यू अलग कर लेगी, और यहाँ पे पहले एंटी क्लॉकवाइज करंट था, अब क्लॉकवाइज करंट फ्लो करना शुरू कर देगी, और यहाँ पे क्या इंड्यूस कर लेगी बेटा, साउथ पोल इंड्यूस कर लेगी, क्योंकि साउथ पोल नॉर्थ पोल क्या करेगा भाई, अट्रैक्ट करेगा, तो इसका मतलब हर बॉडी अपने चेंज का क्या करती है बेटा, अपोज करती है बाय इंड्यूसिंग करंट और ईएमएफ बेटा, यही क्या कहता है लेंजेज लॉ कहता है। तो बेटा देखो सिंपल सी क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन आया बेटा व्हाट इज द लेंजेज लॉ एंड डज इट ओबे एनर्जी कंजर्वेशन, ये क्वेश्चन में पूछ रहा हूं कि लेंजेज लॉ होता क्या है और क्या ये एनर्जी कंजर्वेशन को ओबे करता है, ये आपने क्वेश्चन का आंसर देना है बेटा। आप कहोगे कि इट ओबेज द एनर्जी कंजर्वेशन, यस, व्हाई बेटा, एक्सप्लेनेशन बताएंगे। देखो यहां पे क्या हो रहा है, मैग्नेट है ना कोइल की तरफ आ रही है, बट ये क्या कर रही है, उसको रिपेल कर रही है, इसका मतलब हम क्या करते हैं, इफ वी वांट टू मूव द मैग्नेट टुवार्ड द कोइल यू हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स बेटा, यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लग रही है, रिपल्सिव मैग्नेटिक फोर्स, देखो ये भी नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ नॉर्थ क्या करेंगे बेटा, रिपेल करते हैं, तो इसका मतलब इस केस में क्या होगा, रिपल्सन हो रही है, तो अगर आप चाहते हो कि ये मैग्नेट इस कोइल की तरफ आए तो आपको रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा बेटा, काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। सिमिलरली देखो बेटा ये मैग्नेट दूर जा रही है, ठीक है, आप चाहते हो कि ये मैग्नेट दूर ही जाए, ये मैग्नेट क्या जाए भाई, दूर जाए, बट ये साउथ पोल क्या कर रहा है भाई, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो आपको यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा अंगेंस्ट द अट्रैक्टिव फोर्स, यहाँ पे बेटा आपको वर्क करना पड़ेगा अंगेंस्ट अट्रैक्टिव फोर्स, और उधर वर्क करना पड़ेगा बेटा अंगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स, यहाँ पे बेटा रिपल्सिव फोर्स है और वहाँ पे बेटा अट्रैक्टिव फोर्स है, यू नो अपोजिट पोल अट्रैक्ट इच अदर एंड लाइक पोल रिपेल इच अदर बेटा, तो इसका मतलब अगर आप किसी मैग्नेट को कोइल की तरफ मुंह करवाते हो या अवे फ्रॉम द कोइल लेके जाते हो, तो इन दोनों कंडीशन में बेटा क्या करना पड़ेगा, वर्क हैज टू बी डन, लिख लीजिए बेटा, वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग द मैग्नेट क्लोजर टू द कोइल अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स। सिमिलरली
वर्क हैज़ टू बी डन इन मूविंग द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कोइल अंगेंस्ट अट्रैक्टिव फोर्स। तो बेटा रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स के अंगेंस्ट आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, वर्क करना पड़ेगा एज सोन इन द एक्टिविटी फर्स्ट एंड एज सोन इन द एक्टिविटी सेकेंड बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे पोज बेटा नॉर्थ पोलरिटी के साथ होगा, यहाँ पे बेटा साउथ पोलरिटी के साथ होगा, ठीक है बेटा। एंड लास्ट में लिखोगे आप दिस वर्क डन अंगेंस्ट द रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और दैट एनर्जी इज बेटा इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट एनर्जी इज इलेक्ट्रिक एनर्जी बेटा। तो जितना वर्क करना पड़ेगा बेटा उतना ही क्या आएगा बेटा, करंट आएगा। तो लास्ट में क्लाइन लिखोगे बेटा आप दिस वर्क डन अंगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन अपीयर्स एज इलेक्ट्रिक एनर्जी, अपीयर्स एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो मोर इज द वर्क डन, मोर इज द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बेटा। तो आप कहोगे कि जो लेंज़ लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन को ओबे करता है बेटा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो आप कह सकते हो कि ये वर्ड एनर्जी कंजर्वेशन को बेटा ओबे करता है, और यही बेटा आपका लेंज़ लॉ था। तो लेंज़ लॉ आपने बिल्कुल क्लियर बता दिया मैंने कि जिसकी वजह से जो पैरामीटर इंड्यूस हो रहा है वो उसी का ही अपोज कर रहा है भाई, ठीक है। तो इट इज़ वो वही तो कहता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन सच ए वे दैट इट अपोज द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि वो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ही आया है बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं बेटा, दैट इज एडी करंट, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा एडी करंट एंड इट्स एप्लीकेशन भाई। तो आज हम क्या करेंगे डिस्कस बेटा, एडी करंट और उसकी एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो एडी करंट क्या कहता है लिख लेते हैं, एडी एक साइंटिस्ट थे बेटा, ठीक है। तो एडी करंट एंड इट्स एप्लीकेशन, तो बेटा देखो अभी आपने प्रीवियस टॉपिक में क्या पढ़ा, आपने किसी कोयल के अंदर करंट प्रोड्यूस किया। अगर आप क्या करते हो किसी मैग्नेट को किसी कोयल के पास लेकर आते हो, इफ़ यू मूव द मैग्नेट टुवार्ड्स और अवे फ्रॉम द कोयल, तो क्या होगा बेटा, ये जो गैल्वेनोमीटर नीडल है ये डिफ्लेक्शन शो करती है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो करंट कैन बी इंड्यूस्ड नॉट ओनली इन कंडक्टिंग कोयल, करंट केवल कंडक्टिंग कोयल में ही इंड्यूस नहीं किया जा सकता, किसमें, बट ऑल्सो इन कंडक्टिंग सीट, जैसे मैटर की जो सीट्स होती हैं ना, ये लीजिए ये कोई मैटर की सीट है, ठीक है बेटा, इसमें भी हम करंट इंड्यूस करवा सकते हैं। तो कोयल के अंदर तो ही करंट हमने अभी इंड्यूस करवाया, अब इस टॉपिक के अंदर हम क्या करंट इंड्यूस करवाना चाहते हैं बेटा, कंडक्टिंग सीट या यू कैन से ब्लॉक, जितने भी कंडक्टिंग ब्लॉक्स होते हैं, कंडक्टिंग सीट्स होती हैं, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, करंट को इंड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है बेटा। कब, और अभी बताइए करंट कैसे इंड्यूस होता है या वोल्टेज कब इंड्यूस होती है बेटा, एक ही बात है इस पूरे चैप्टर में कि जब किसी बॉडी की मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, नोट लिख लीजिए बेटा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी किसी बॉडी का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा बेटा तभी ही क्या होगा EMF बनता है या इंड्यूस करंट या वोल्टेज बनती है बेटा, ये बात आप नोट कर लीजिए। तो व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए मेटल सीट और ब्लॉक चेंजेस EMF इज इंड्यूस्ड इन इट, बट यही बात आपने नोट करनी है बेटा, आप लिख लोगे यहाँ पे whenever the magnetic flux linked with metal seat or block, तो क्या होगा बेटा, EMF is induced बेटा। पीछे वाले टॉपिक में तो हम कोयल की बात कर रहे थे, सर्कुलर कोयल टाइप है जो कोयल है, बट अब मगर जो इतनी भी आपकी सीट है, मेटल सीट है या ब्लॉक है, जब उनकी आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे तो EMF इंड्यूस होगी बेटा। बार बार यही बात कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, तो वो चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, चेंज वो नेगेटिव भी हो सकता है, तो बेटा बट EMF बनेगी, क्या बनेगी, EMF बनती है, ये बात आपने नोट करनी है बेटा। अब लास्ट वन, अब क्या कहता है भाई, जो ये करंट है, जो भी करंट बनता है वो करंट एडी करंट जाए, इट लुक्स लाइक एडीज, किसकी तरह लुक लाइक करेगा बेटा, वो करंट जो भी इंड्यूस हुआ दैट इज लुक लाइक एडीज, या यू कैन से दैट वायरल पुल इन वाटर, वाटर के अंदर है ना, जैसे वायरल पुल होते हैं लाइक दिस वन, ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स में वायरल पुल सा होता है ना, तो उसकी तरह एक दिखाई देता है बेटी, ठीक है। तो दिस करंट लुक्स लाइक एडीज और वायरल पुल इन वाटर एंड सो दे आर नोन एज एडी करंट, तभी इनका नाम क्या बेटा, एडी करंट है। और ये करंट किसने डिस्कवर किया सबसे पहले बेटा, फोकाल्ट, एक साइंटिस्ट है बेटा फोकाल्ट,
फुकाल्ट एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको डिस्कवर किया और तब इसका नाम बेटा क्या फुकाल्ट करंट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा इसको? फुकाल्ट करंट भी बोलते हैं। तो इसका मतलब जब किसी मेटल सीट में या ब्लॉक में करंट इंड्यूस होता है या EMF इंड्यूस होती है तो उसे बेटा उस करंट को क्या बोलते हैं बेटा? एडी करंट बोलते हैं। तो एडी करंट है या पीछे हमने अभी पढ़ा है बेटा इंड्यूस करंट है, दोनों का मीनिंग सेम है बेटा। तो एडी करंट की डेफिनेशन क्या बेटा? एडी करंट क्या लिखोगे बेटा? एडी करंट्स आर द करंट इंड्यूस्ड इन सॉलिड मेटेलिक मासेस when the metallic flux threading through them changes। तो बड़ा सिंपल लिखा है कि एडी करंट क्या है? दीज आर द करंट्स इंड्यूस्ड इन सॉलिड मेटेलिक मासेज। मतलब सॉलिड मेटल का वो बेटा ब्लॉक भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर चैम्बर भी हो सकता है, डिस्क भी हो सकती है। तो उनके अंदर बेटा करंट इंड्यूस होगा कब? जब उनमें से मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक जा रही है वो अगर चेंज होता है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तभी ही बनेगा, अदरवाइज वो करंट नहीं बनता बेटा। एक एक्टिविटी शो करते हैं बेटा करंट के लिए, एक एक्टिविटी शो करते हैं एडी करंट की। तो बेटा एक ये आप कोई आपके पास सिलेंड्रिकल कोर है, इसके ऊपर क्या किया आपने? सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोमैग्नेट का बनेगा बेटा ये, अगर आप इसके ऊपर कॉपर की कोयलिंग का ऐसे सर्कुलर शेप में, ठीक है बेटा। और इफ़ यू कनेक्ट AC सप्लाई हेयर, आप यहाँ पे AC सप्लाई कनेक्ट कर देते हो, यू कनेक्ट द AC सप्लाई, ठीक है। तो बेटा टेक ए सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोमैग्नेट फेड बाई एन AC, तो ये आपका सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोमैग्नेट है भाई। और इसको किससे बनाया बेटा? AC लगाया हुआ इसके ऊपर, AC सोर्स एंड ए प्लेस ए स्मॉल मेटल डिस्क। एक मेटल की डिस्क है बेटा यहाँ पर रख लीजिए, एक मेटेलिक डिस्क है यहाँ पे, दिस इज मेटेलिक डिस्क, यहाँ पे रख दीजिए आप मेटेलिक डिस्क, ओके। तो बेटा हुआ क्या एक्सपेरिमेंट में, क्या पाया बेटा कि एज द करंट इज स्विच्ड ऑन, जैसे ही आप करंट को स्विच ऑन कर देते हो, एज द करंट इज स्विच्ड ऑन मैग्नेटिक फील्ड एट द डिस्क राइजेज फ्रॉम 0 to finite वैल्यू। बेटा होगा क्या, जैसे ही आप करंट सप्लाई करोगे, जो ये डिस्क थी जो इसके ऊपर रखी हुई थी, यहाँ पर रखी हुई थी डिस्क पहले, ये हवा में एयर में जंप कर जाती है। मेटेलिक डिस्क क्या कर जाती है बेटा? जंप कर जाती है। क्यों ऐसा बेटा? रीजन यही है कि जब इस करंट, जैसे ही AC करंट चेंज हुआ, AC के करंट चेंज होने से बेटा इस बॉडी की मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुई, क्योंकि करंट का क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक फैक्ट। तो बेटा इस सोलेनोइड का, सिलेंड्रिकल सोलेनोइड का जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसका क्या हुआ बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। इसके मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इसका भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया बेटा? चेंज हुआ। तो जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो बेटा क्या हुआ? इसके अंदर भी क्या आ गया? करंट आ गया बेटा, क्योंकि इसमें करंट था बेटा, इसके करंट चेंज होने से इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुई। जो मैग्नेटिक फ्लक्स इससे है वही मैग्नेटिक फ्लक्स इससे लिखा है भाई। और जब किसी बॉडी की मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी बेटा करंट बनेगा। क्या बनेगा? करंट। तो ये अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर नॉर्थ पोल बना लेता है तो ऊपर वाली डिस्क भी क्या बना लेती है बेटा? नॉर्थ पोल बना लेती है। तो ड्यू टू द रिपल्सन ये डिस्क क्या करती है बेटा? एयर में जंप करती है। एयर में क्या करती है बेटा? जंप करती है। यही बेटा एडी करंट का कंसेप्ट है, ठीक है बेटा। तो एडी करंट वही है कि कोई मेटेलिक डिस्क है, मेटेलिक ब्लॉक है, अगर उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो बेटा उसमें करंट इंड्यूस होगा, दैट इज एडी करंट। और उस एडी करंट की वजह से यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल डेवलप हुआ, और यहाँ पे बेटा नॉर्थ पोल यहाँ पे भी है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। तो नॉर्थ नॉर्थ की वजह से ये डिस्क क्या करी बेटा? एयर के अंदर जंप कर गई बेटा। दिस इज द एक्सप्लेनेशन या एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी ऑफ द एडी करंट बेटा, ठीक है। अब बेटा एडी करंट के अनडिजायरेबल इफेक्ट भी हैं, एडी करंट के कुछ अनडिजायरेबल इफेक्ट है भाई, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अनडिजायरेबल इफेक्ट बेटा कौन कौन से इफेक्ट है बेटा? बेटा एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड एन आयरन कोर ऑफ रोटेटिंग आर्मेचर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। बेटा इलेक्ट्रिक मोटर का कंसेप्ट याद करो, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर जो ये कोयल होती हैं, जो ये सर्कुलर कोयल होती है बेटा, ये किसकी बनी होती है बेटा? ये आयरन कोर होती हैं, रोटेटिंग आर्मेचर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। डायनेमो बेटा जनरेटर होते हैं, या बेटा ये कैन से दैट ट्रांसफार्मर की कोर है,
कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स होती हैं, जितने भी कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स हैं, जनरेटर डायनमो हैं, ठीक है बेटा, मोटर हैं, तो ये क्या करती है, विच एक्सपीरियंसेस फ्लक्स चेंजेस, इन सभी के अंदर क्या होगा भाई, फ्लक्स चेंज होगा, चाहे आपका इलेक्ट्रिक मोटर है, चाहे आपका इलेक्ट्रिक चाहे आपका डायनमो है, चाहे कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर है, इन सभी के अंदर बेटा क्या चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है बेटा। और ये सब के किसके बने होते हैं बेटा, मेटल के बने होते हैं सभी, कोर है या इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर कोयल की बात कर लीजिए, तो ये सभी किसके बने होते हैं बेटा, ये मेटल के बने होते हैं, और मेटल की मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी इनके अंदर, तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो क्या बनेगा बेटा, एडी करंट बनेगा इनके अंदर, क्या बनेगा, एडी करंट। और एडी करंट बनने से क्या होगा बेटा, एडी करंट कोज अननेसेसरी हीटिंग, लिख लीजिए बेटा, एडी करंट क्या करेगा, करंट का हीटिंग इफेक्ट भी होता है, तो एडी करंट क्या करेगा, इट कोज अननेसेसरी हीटिंग, अननेसेसरी हीटिंग, एडी करंट कोज अननेसेसरी हीटिंग एंड वेस्टेज ऑफ पावर, एंड वेस्टेज ऑफ पावर, अननेसेसरी हीटिंग और पावर क्या होगी भाई, वेस्टेज ऑफ पावर होगी। द हीट प्रोड्यूस्ड बाय एडी करंट में इवन डैमेज द इंसुलेशन ऑफ कोइल्स, कई बार तो भाई जो हीट प्रोड्यूस हुई एडी करंट की वजह से, जो कोइल्स की आपने इंसुलेशन की है, जो कोइल के ऊपर जो कवर किया है किसी वायर के साथ बेटा, उसको भी डैमेज कर देता है आपका, ठीक है। तो बेटा ये था आपका कि अनडिजायरेबल इफेक्ट है, और बेटा मिनिमाइज कैसे करोगे, मिनिमाइज कैसे करोगे भाई, एडी करंट को कैसे मिनिमाइज किया जाएगा, तो एडी करंट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लैमिनेटेड कोर, बाय यूजिंग लैमिनेटेड कोर, लैमिनेटेड यानी कि लैमिनेशन करेंगे, लैमिनेटेड कोर यूज करेंगे, सिंपल कोर यूज नहीं करेंगे, विच इंस्टेड ऑफ ए सिंगल सॉलिड मास कंसिस्ट ऑफ थिन सीट ऑफ मेटल इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय थिन लेयर ऑफ वर्निश, वर्निश की थिन लेयर डाल देंगे भाई इनके ऊपर, ठीक है, ये बात है उसने। तो बेटा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एडी करंट को कैसे रिड्यूस करोगे, तो आप कहोगे बेटा लैमिनेटेड कोर यूज़ करके आप एडी करंट को रिड्यूस कर सकते हो, और एडी करंट का अनडिजायरेबल इफेक्ट क्या है बेटा, इट प्रोड्यूस हीट और पावर बेटा, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, अब वन और टू एप्लीकेशन डिस्कस कर लेता हूँ बेटा एडी करंट की, बाकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एडी करंट की एप्लीकेशन। जैसे बेटा इंडक्शन फर्नेस है, सबसे पहले फर्स्ट एप्लीकेशन है बेटा इंडक्शन फर्नेस। बेटा कुछ फर्नेस ऐसी होती हैं जो इंडक्शन के बेस पे काम करती हैं, तो फर्नेस में होगा क्या, इंडक्शन फर्नेस में बेटा, इफ ए मेटेलिक स्पेसिमैन इज प्लेस्ड इन ए रैपिडली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बेटा हम क्या करेंगे, कोई मेटल का स्पेसिमैन बनाएंगे, मेटल का कोई स्पेसिमैन, ये मान लीजिए कोई मेटल का चैम्बर है, मेटल का कोई स्पेसिमैन बना लिया बेटा, और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको रैपिडली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, रैपिडली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हमने रख दिया यहाँ पे भाई, बार बार चेंज कर रहा है, तो रैपिडली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर में रख दिया जाए तो क्या होगा भाई, इन ए रैपिडली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड वेरी लार्ज एडी करंट आर सेटअप, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज एडी करंट सेटअप हो जाएगा बेटा, और जब करंट आएगा तो उसे क्या बनेगा बेटा, हीट प्रोड्यूस होगी, क्या प्रोड्यूस होगी बेटा, हीट प्रोड्यूस इज सफिशेंट टू, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, जो क्या कर सकता है बेटा, इट मेल्ट द मेटल, जो मेटल को मेल्ट कर सकता है। तो इसलिए हम कहाँ पे यूज़ करते हैं बेटा इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द देयर ओर, तो मेटल की एक्सट्रैक्शन करते हैं बेटा, मेटल एक्सट्रैक्शन में इसका यूज करते हैं, फ्रॉम कोर मेटल के ओर से हम मेटल की एक्सट्रैक्शन करेंगे बेटा, ठीक है। होगा क्या, मेटालिक चैम्बर या मेटालिक डिस्क के ऊपर हाई फ्रिक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे बेटा, और आपको बेटा है फ्लक्स क्या होती है, बी ए कोस थीटा बेटा, जब आप अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो फील्ड चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होने से बेटा एडी करंट बनेगा, एडी करंट से क्या होगा भाई, हीटिंग इफेक्ट होगा, हीटिंग इफेक्ट होने से मेटल हीट हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस को बेटा क्या यूज़ करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ सम मेटल फ्रॉम देयर ओर बेटा। सिमिलरली आप बेटा क्या करते हो, आप क्या कर सकते हो भाई, आपके जो इलेक्ट्रिक ब्रेक्स होते हैं, आपके जो इलेक्ट्रिक ब्रेक है उसके अंदर भी बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक कंसेप्ट है और एडी करंट का कंसेप्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक से जैसे, तो उसमें क्या होगा बेटा, ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू द रोटेटिंग ड्रम, तो बेटा होगा क्या, जो व्हीकल है, व्हीकल्स के अंदर क्या होगा, मान लीजिए ये क्या है, व्हील्स हैं, और व्हील्स के साथ बेटा ये क्या है, ड्रम्स है, रोटेटिंग ड्रम्स है, ठीक है। तो ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू रोटेटिंग ड्रम अटैच टू द व्हील, तो देखो ये व्हील के साथ है ना, ये ड्रम्स अटैच्ड है, तो
इन पे क्या करेंगे बेटा, हाई मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, हाई मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, उससे क्या होगा भाई, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा भाई, एडी करंट बनेगा, क्या बनेगा बेटा, एडी करंट बनेगा। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाई टू रोटेटिंग ड्रम अटैच टू द व्हील, व्हील के साथ है ना, यहाँ पे ना रोटेटिंग ड्रम्स होते हैं, रोटेटिंग ड्रम्स के अक्रॉस क्या लगाएंगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, उससे एडी करंट सेटअप हो जाएगा इन द ड्रम और एग्जर्टेड टॉर्क ऑन द ड्रम सो एज टू स्टॉप द ट्रेन। तो वो टॉर्क बनेगा, उससे टॉर्क क्या करेगा बेटा, उस व्हील की मोशन को रोक देगा। तो इसलिए हम इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में इंडक्शन का ही काम, मतलब इंडक्शन का कंसेप्ट लगाते हैं या एडी करंट का कंसेप्ट यूज़ करते हैं बेटा। सिमिलरली जो स्पीडोमीटर है, ठीक है, इंडक्शन मोटर है बेटा, इन सभी के अंदर क्या करते हैं भाई, एडी करंट का ही कंसेप्ट अप्लाई किया जाता है। सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग है, जैसे आपने मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर पढ़ा होगा बेटा, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर पे क्या करते हैं, ऐसे उसको रेक्टेंगुलर शेप में कॉइल्स को लटका देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, यहाँ पे बहुत सारी कॉइल्स होते हैं ऐसे कॉपर की कॉइल्स, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर वाला टॉपिक याद करो ये, इसमें फिर हमने आयरन का सिलेंडर रख दिया बेटा, ठीक है, होगा क्या, ये कॉइल रोटेट करेगी जब इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, बट कई मोस्टली टाइम्स आपने देखा होगा बेटा करंट को बंद करने के बाद भी कॉइल क्या करती है, बार बार ऐसे ऐसे रोटेट कर देती है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, इसका मतलब इट टेक्स सम टाइम टू कम रेस्ट व्हेन यू स्टॉप द करंट। तो जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल्स है, इट टेक्स सम टाइम इन कमिंग रेस्ट, रेस्ट आने में कुछ टाइम लेगी। तो आप क्या कर देते हो बेटा, लैमिनेटेड कोर यूज करके क्या करोगे बेटा, एडी करंट बढ़ाओगे, और वो एडी करंट ही क्या करेगा बेटा, उसकी मोशन को रोट बंद कर देगा बेटा, ठीक है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के अंदर भी इसी का कंसेप्ट यूज़ करते हैं बेटा, ठीक है। तो दीज आर द एडी करंट एंड एप्लीकेशन बेटा, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम बेटा, यू कैन टेक योर डाउट्स या बाई यू कैन पुट मैसेज बाई व्हाट्सएप बेटा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।